इस्लामाबाद पहली बार? हाँ, पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। इस साल हमने ये किया कि हमने एक फुटबॉल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया यहाँ पे। हमने इसको फुटबॉल एक्सचेंज का नाम इसीलिए दिया क्योंकि वो वहाँ से इधर आए, इस्लामाबाद आए। 38 गर्ल्स है ये, ऑल फ्रॉम ऑल ओवर चित्राल। बहुत सारी लड़कियाँ, आई थिंक 90% ऑफ देम जो पहली दफ़ा आई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर देम, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर श्योर फॉर मोस्ट ऑफ देम। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप देखें ना, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इनमें जो है कॉन्फिडेंट और बढ़ गया है। ठीक है, बिफोर दे वुड बी शाय, चित्राल में इनके लिए मुश्किल था, इन अ सोसाइटी दे वुड हाइड एंड प्ले। यहाँ पे दे इंडिपेंडेंटली प्ले, ओपनली प्ले, एंड देयर गेम इज़ गेटिंग वे बेटर। तो इनिशियली 2018 में जब हमने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था क्योंकि चित्राल में इस तरह के कोई इवेंट नहीं हुए पहले। तो एक तो पेरेंट्स को कन्विंस करना, दूसरी बात ऑफ कोर्स सोसाइटी में जो है, आप लड़कियों को जब इस तरह पहली दफ़ा कहीं लेके जाते हो या स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाते हो, तो आपको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करना होता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करें। चित्राल के दूर अफ्तादा देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ये लड़कियाँ ना सिर्फ पुरअज़्म हैं बल्कि पुरउम्मीद भी हैं कि अगर उनको ऐसे ही ट्रेनिंग दी गई और मुस्तकबिल में भी उनको ऐसे ही फुटबॉल खेलने के मौके फ्राहम किए गए, तो ना सिर्फ वो अपने इलाके बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने का भी सबब बनेंगी।